हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्पीड ड्रम सीपीयू का एफआरपी अनलॉक कैसे कर सकते हैं अपने मेडिकल बॉक्स से। तो स्पीड ड्रम में जो 7031 का जो सीपीयू है उसे आप एफआरपी अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई सब्सक्राइबर कमेंट्स आया था कि स्पीड ड्रम सीपीयू का एफआरपी हम लोग अनलॉक करते हैं और अनलॉक नहीं हो पा रहा है मेडिकल बॉक्स से। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कैसे आपको जो है स्पीड ड्रम सीपीयू का एफआरपी अनलॉक करना है 7031 का, ठीक है। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं मेरे हाथ में एक माइक्रोमैक्स का मोबाइल है और इसका जो आईसी है ये 7031 है, ठीक है। और इसमें एफआरपी लॉग है, इसका एफआरपी लॉग हमें अनलॉक करना है अपने मेडिकल बॉक्स। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को पहले से ही अगर सब्सक्राइब कर रखा है और आपने अभी तक इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना मेडिकल बॉक्स जो है ओपन कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं मोबाइल है माइक्रोमैक्स का और इसका जो आईसी है, इसका जो सीपीयू है 7031, ठीक है। तो इस मोबाइल को हमें जो बूट कराना है अपने मेडिकल टूल से, तो इस मोबाइल को बूट कराने के लिए सबसे पहले हमें इस मोबाइल को ऑफ कर देना होगा, ठीक है। मोबाइल को ऑन नहीं करना है, मोबाइल को ऑफ कर देना है, ठीक है। और बैटरी निकालने के बाद जो बैटरी दोबारा इस मोबाइल में लगाना है। तो दोस्तों, मोबाइल को बूट कराने से पहले चलिए हम अपने मेडिकल टूल में स्पीड ड्रम टूल को जो है सिलेक्ट कर लेते। उसके बाद यहाँ पे 7031 न्यू बूट जो है मेथड है, इसे हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद एफआरपी पे हमें चेक लगा देना है। एफआरपी पे चेक लगाने के बाद उसके बाद हमें यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। और स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद जब स्कैन यूएसबी पोर्ट जब यहाँ पे लिखेगा, उसके बाद हमें अपने मोबाइल को बूट कराना है। तो मोबाइल को कैसे बूट कराना है? दोस्तों, मोबाइल को बूट कराने के लिए आपको जो है मोबाइल को जो ऑफ कर देना है और मोबाइल का जो बैटरी निकाल के दोबारा मोबाइल का बैटरी उसमें लगाना है। उसके बाद आपको वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों को एक साथ प्रेस करना है, एक साथ दबा के रखना है, कंटिन्यू दबा के रखना है। उसके बाद आपको डाटा केबल लगाना है और छोड़ना आपको नहीं है जब तक आपका मोबाइल मेडिकल टूल से बूट ना कर जाए। और जैसे आपका मोबाइल मेडिकल टूल से बूट करेगा, आपको वॉल्यूम प्लस और माइनस जो है आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल यहाँ पे बूट कर चुका है और हमारा जो है एफआरपी जो है सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मोबाइल जो ऑटोमेटिकली जो अपने आप जो है रिस्टार्ट हो चुका है और मोबाइल हमारा ऑन हो रहा है। चलिए देखते हैं हमारा जो एफआरपी लॉग है ये अनलॉक हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था, अभी यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ चुका है और इसका मतलब है कि हमारा जो एफआरपी सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपकी किसी काम आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है और आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उस घंटे को आप जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।